मैंने पत्र दिया, उस पर आदेश हुए और ये कहा है मैंने कि वहाँ जाँच की जाए। स्पॉन्सर्ड बाई बीजेपी कहिए, आरएसएस कहिए, या एक ये पूरा एक पूरे देश के अंदर उन्होंने एक निरंतर एक अभियान चला रखा है। हम पूरी तरह से प्रतिबद्ध हैं, उत्तर प्रदेश में हम कानून व्यवस्था मेंटेन करेंगे और ये हमारी जिम्मेदारी। नमस्कार, टाइम्स ऑफ भारत पर देश के सबसे पसंद। परमिशन ली गई कि नहीं ली गई डीएम से, आपके यहाँ से या जिला प्रशासन से, किस प्रकार से इस मंदिर को का तब्दील करके यहाँ पर जो मस्जिद तामीर कर दी गई और हिंदुओं को पूजा के अधिकार से वंचित कर दिया गया। शिवालय मस्जिद को लेकर यह पूरा विवाद है। हालांकि मस्जिद और शिवालय दोनों नाम और एक मस्जिद का नाम शिवालय कैसे, इस बात को भी लेकर लोगों की अपने तर्क है। लखनऊ में टीले वाली मस्जिद को लेकर भी ऐसा ही विवाद है। अब शिवालय मस्जिद को लेकर जांच के आदेश दे दिए गए हैं तो इस पर सियासी संग्राम भी तेज हो गया है। यूपी सरकार कह रही है कि कानून के मुताबिक काम होगा, जबकि खुद को मुसलमानों का रहनुमा कहने वाले एलडीए के फैसले से परेशान है। धर्म के ठेकेदारों के निशाने पर बीजेपी और आरएसएस है, जिनका कहना है कि बीजेपी अपना एजेंडा सेट करने के लिए ये सब कर रही है। सुनिए। बड़ी संजीदगी से इस अंदाज में देखता हूँ कि ये एक स्पॉन्सर्ड प्रोग्राम है पूरे देश के लिए, और स्पॉन्सर्ड बाई बीजेपी कहिए, आरएसएस कहिए, या एक एक पूरा एक पूरे देश के अंदर उन्होंने एक निरंतर एक अभियान चला रखा है कि वो मस्जिदों को जगह जगह टारगेट कर रहे हैं। देखिए, हिंदू पक्ष के प्रार्थना पत्र पे लखनऊ विकास प्राधिकरण ने 3 दिन में जाँच का आदेश दिया है और ये जांच होनी चाहिए। वो अवैध अतिक्रमण है, मेरे हिसाब से तो उसको अब तक बुलडोजर से गिरा देना चाहिए था। इस मुल्क को सबसे बड़ा खतरा इस मुल्क में रहने वाली जाफरानी तंजीमों से है, जाफरानी नज़रियात से है। जो काम फरंगी इस मुल्क में बाकी छोड़कर चले गए थे, आज उनके मिशन को ही जाफरानी तंजीमें अंजाम दे रही हैं। कुछ लोगों ने एक षड्यंत्र के तहत बबकी बहुत बेसकीमती जमीनों को बेचने का काम किया है। कुछ ऐसी जमीनें भी हैं जो बप की नहीं है, उनको बप में दर्ज कर लिया है। तो एक अभियान चलाकर हम इसकी भी जांच करा रहे हैं और बप संपत्ति को सुरक्षित करने का काम सरकार कर रही है। उनको केवल एक ही धर्म का ढोल बजा करके उसकी एक आड़ लेकर के जो है मतलब देखिए बुनियादी मुद्दों से सबका ध्यान भटकाने की कोशिश चल रही है। जानकारी मुझे मिली है और मैं पूरे पत्रावली की जांचने के बाद ही, देखने के बाद ही कुछ कह पाऊंगा। स्थानीय अधिकारियों से भी बात मैं करूंगा। ऐसे बहुत सारे मसले हैं पूरे प्रदेश में। ऐसे क्या है ना कि हम पूरी तरह से प्रतिबद्ध हैं, उत्तर प्रदेश में हम कानून व्यवस्था मेंटेन करेंगे और ये हमारी जिम्मेदारी है। तो प्रतिक्रियाएं क्या कुछ आई है वो आपने सुना। टाइम्स राउंड ऑफ भारत की टीम इस मस्जिद पर गई और जानने की कोशिश की कि आखिरकार सच क्या है। वहां मौजूद लोगों ने क्या कुछ कहा उसे भी आपको जरूर सुनना चाहिए। ये इसीलिए शिवालय वाली मस्जिद कहलाती जाती थी, अब यही कि मुसलमानों ने मस्जिद बना लिया उसको मंदिर के ऊपर, अब यही है। तो कभी पहल नहीं हुई कि भाई आपस में भाईचारे से करी? हम जब छोटे थे, अब मैं 68 इयर्स का हो रहा हूँ, जब मैं छोटा था, मैं 50 यहाँ आया हूँ जब मकानी लिया गया था, तो मैं बचपन में देखा करता था शिवालय वाली मस्जिद है, शिवालय वाली मस्जिद है, लोग भीड़ लगाते थे कि मंदिर में हम जल चढ़ाएंगे जल चढ़ाएंगे। अब वो प्रशासनिक क्या व्यवस्था रही छोटा था मालूम नहीं। 45 साल हुए शादी के मेरी। हाँ। उसके पहले से ही ये मस्जिद मंदिर दोनों थी, तब फिर मस्जिद भी थी, मस्जिद भी थी। अच्छा। और फिर उसके बाद बंद कर दी गई, खाली मुस्लिम जाते थे। हाँ। और हिंदू कोई जा ही नहीं पाता था, आज भी कोई नहीं जा पाता, सब लोग बताते कि शिवलिंग बनी हुई है। अच्छा। जी हाँ, वहाँ पर हमारी पैदाइश हुई, हमारे पिताजी चले गए 108 के। अच्छा। आज तक हमने नहीं देखा मंदिर। ये किसने बनाई थी मस्जिद? अब जब भैया हमारे पीछे बुजुर्ग रहते हैं। हाँ। वो एक्सपायर हो गए, वो बनवाई था। अच्छा। मेरे साहब थे, कब्रिस्तान था ये। हाँ। और आज भी यहाँ से लेके वहाँ तक के कब्रें आपको मिलेंगी। अच्छा। ये सब भेदभाव जो आज हो रहा है, ये आज से कभी हुआ नहीं उस एरिया में।
अगर मस्जिद मंदिर के लिए सब हो रहा है तो इसके लिए अपना कोर्ट न्यायालय देखेगी। लोगों की बातें और लोगों की प्रतिक्रियाएं कि वहां पर पहले कभी मंदिर हुआ करता था, लेकिन सवाल है कि जांच की बात आते ही धर्म के ठेकेदार परेशान क्यों हो जाते हैं? जांच में सच सामने आ जाएगा। अगर आपके दावों में दम है तो फिर जांच से घबराना क्यों है? या फिर ज्ञानवापी और मथुरा ईदगाह की तरह ही जांच पर अड़ंगा डालने की क्या ये कोशिश हो रही है? ऐसे में सबसे पहले उन सवालों पर नजर जिनके इर्द गिर्द आज राष्ट्रवाद में चर्चा आगे बढ़ेगी। पहला बड़ा सवाल होगा काशी मथुरा अयोध्या झांकी और लखनऊ क्या बाकी है? शिवालय मस्जिद में जांच के आदेश दिए गए हैं, आगे क्या होगा इस पूरे मामले में? शिवालय मस्जिद में शिव के प्रमाण सच क्या है? दावों में दम है तो फिर जांच से डर कैसा और क्यों इसे प्रोपेगेंडा का हिस्सा बताया जा रहा है? चलिए आगे बढ़ते हैं, आपका परिचय आज के मेहमानों से करवाते हैं। हमारे साथ डॉक्टर रिजवान अहमद जुड़ चुके हैं, आचार्य शैलेश तिवारी जी भी जुड़ चुके हैं, स्टूडियो पहुंच रहे हैं रास्ते में। डॉक्टर एच एस रावत है धर्माचार्य जी हमारे साथ स्टूडियो में है, असगर खान साहब हमारे साथ जुड़ चुके हैं वकील हैं, मौलाना अब्दुल हमीद नोमानी साहब हैं इस्लामिक स्कॉलर के तौर पर और सैयद जवाब साहब हैं पॉलिटिकल एनालिस्ट के तौर पर। लेकिन आज सबसे पहले रिजवान भाई मैं आपके पास आऊंगा और आपसे मैं शुरू करना चाहता हूं। काशी की हमने बात कर ली, मथुरा की बात कर ली, अयोध्या में एक लड़ाई सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद रास्ता साफ हुआ मंदिर का, अब शिवालय मस्जिद की बात। ऐसे कितने जख्म हैं, ऐसे आस्था पर कितने प्रहार हैं रिजवान भाई? ये तो सिलसिला बड़ा अंतहीन लगता है। जी हाँ, शुक्रिया। जी हाँ, जय हिंद, वंदे मातरम। देखिए, मैं क्योंकि लखनऊ का हूँ, शिवालय वाली ये जो मस्जिद है इसके बारे में भी मैंने सुना था, पर ये नहीं पता था कि एकदम से ये मुद्दा बन जाएगा। जो बाबरी मस्जिद कहा जाता है, अगर आप रिकॉर्ड्स उठा के देखें तो ये भी एक टाइम पे जन्मभूमि मस्जिद कहलाती थी, बाद में बाबरी मस्जिद रिकॉर्ड्स में आ गया, पर पहले ये जन्मभूमि मस्जिद कहलाती थी। वैसे ज्ञानवापी मस्जिद का है। तो देखिए, दो तीन चीज़ें बड़ी बेस चीज़ें हैं जो हम लोगों को इस देश में माननी पड़ेंगी। कुछ सरकार की भी गलती है और कुछ हम मुसलमानों की गलती है। पहले तो मुसलमान एक बात माने, दो में से एक बात माने। पहला कि क्या जो मुस्लिम आक्रांता आए उन्होंने मंदिर तोड़ के मस्जिदें बनाई? पहला बेसिक क्वेश्चन। अगर मुसलमान कहता है नहीं, वो बड़े शांति प्रिय लोग थे, उन्होंने कोई मंदिर नहीं तोड़ा, ये जनसंघ का, हिंदूवादी ताकतों का, नए युग में भाजपा का एजेंडा है, तो मैं कहता हूं सीधे सीधे सबका सर्वे करवा लो, बिल्कुल ना घबराओ, बिल्कुल ना डरो, क्योंकि तुम्हारा ईमान साफ है, तुम्हारी नीयत साफ है। दूसरी चीज, अगर मुसलमान कहता है कि नहीं भाई, कुछ आक्रांताओं से गलती हुई, मंदिर तोड़े गए, अब यहां से दो रास्ते निकलते हैं। पहला रास्ता तो यह निकलता है कि हम सामूहिक तौर पर हिंदुओं से माफी मांगें कि भैया उन आक्रांताओं ने ये गलतियां की, हमें माफ कर दो, और माफी के बाद बैठ के हम हिंदू भाइयों के साथ कोई रास्ता निकालें। और ऐसा नहीं है, अब कोई आदमी कहेगा अरे भाई हम क्यों उनके लिए माफी मांगे। जब जर्मनी ने पोलैंड में इन्वेजन किया था और कत्लोआम किया था हिटलर ने, उसके 50 साल बाद जर्मनी ने यूरोप से और पोलैंड से माफी मांगी थी। जो ट्रेन यहूदियों को लेके कंसंट्रेशन कैंप में जाती थी, उस फ्रेंच रेलवे कंपनी ने यहूदियों से माफी मांगी थी। ऐसे 50 किस्से हैं दुनिया में जहां पर आपके पूर्वजों ने अगर कोई गलती करी तो नई पीढ़ी ने विक्टिम से माफी मांगी है। ठीक, तो पहले तो यह तय कर लो कि मंदिर तोड़े या नहीं तोड़े। नारायण दत्त तिवारी ना बनो जो कह रहे थे डीएनए ना करो, डीएनए ना करो, और बाद में दूध का दूध पानी का पानी हो गया कि बेटा किसका था। तो अगर तुम्हारी नियत साफ है तो सर्वे करवाओ, हर जगह का करवाओ, मथुरा काशी का नहीं, जहां जहां हिंदू कहता है या मंदिर था वहां का करवाओ। और अगर नियत साफ नहीं है, मंदिर तोड़े गए, तो हिंदुओं से माफी मांगो और बीच का रास्ता निकालो। ठीक है, ठीक है रिजवान भाई, मैं आता हूं। जवाब साहब आपने इशारा किया, लेकिन मैं पहले असगर खान का भी रुख कर लूं, क्योंकि रिजवान भाई भी वकील हैं, बड़े तर्कों के साथ अपनी बात रखते हैं, और असगर खान भी वकील हैं, कानून को ये समझते भी हैं। ये अलग बात है, कई बार उनकी परिभाषाएं थोड़ी सी अलग हो जाती हैं। असगर भाई, जो बातें रिजवान भाई ने कही, अगर दावों में दम है, अगर सच्चाई है, तो फिर डर कैसा? अब शिवालय मस्जिद को लेकर यह पूरा बवाल है, तो हो जाने दीजिए सर्वे, क्यों कुछ लोग वहां पर पहुंच गए एतराज करने के लिए? साफ जांच नहीं होनी चाहिए? आज पहली बार मैं देख रहा हूं भाई के रिजवान भाई ने तारीख पे बात करी है, वरना मैं भी और रिजवान भाई भी चूंकि वकील हैं रिजवान भाई, तो हमेशा कानून पे हम लोग ज्यादा बात करते हैं।
तो जहां तारीख की बात है, तारीख को जिस तरीके से तोड़ मरोड़ के पेश किया जा रहा है वो पता सबको है ये बात, दूसरी है कि हम कभी कह देते हैं कभी नहीं कहते, लेकिन कानून भी इस, हमारे मुल्क का कानून सर्वोपरि। असगर भाई, असगर भाई, प्लेस के दाव पर्ची पर भी किस तरीके से किस दबावों में बना और मथुरा पर आप कुछ दिन पहले बहुत जोर शोर से विरोध कर रहे थे। मई 2022 में कोर्ट ने आदेश दिया कि ये तो ठीक है और जांच आप अपनी बात रखिएगा, आप अपनी बात रखिएगा। आप जिस 91 एक्ट की बात कर रहे हैं, क्या वो ये मना करता है कि लखनऊ में शिवालय मस्जिद को लेकर जांच नहीं होनी चाहिए? बिल्कुल, जो जो प्लेसेस जैसे हैं नहीं, तो जांच से कहां मनाई है, वैसे की वैसी रहेंगे, उसका स्वरूप बदल गया क्या? नहीं, जांच से स्वरूप बदल जाता है। आप जांच किस लिए कर रहे हैं बताइए, आप मुझे बताइए। तो ये तो बात की बात है ना, ये तो उसके बाद किस लिए कर रहे हैं, ये उसके बाद मसला आएगा कि स्वरूप बदलेगा नहीं बदलेगा, फिर संविधान देखेगा कि वो प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट के अंदर आता है नहीं आता है, ये तो उसके बाद की बात है। लेकिन 91 का एक्ट क्या कहता है कि जांच भी नहीं होनी चाहिए? मुझे सिर्फ एक सवाल का जवाब दे दिए, हर चीज का कोई मकसद होता है, वी आर नॉट वेस्टिंग अवर टाइम। इसके बाद आएगा अपनी एनर्जी, अपनी अभी मकसद क्या है नहीं है, अभी मकसद क्या है नहीं है, ये तो इसके बाद की बात है। अगर किसी अगर बिना मकसद कर रहे हैं तो वी आर नॉट। अच्छा, एक छोटा सा जवाब दे दीजिए फिर मैं जवाब देता हूं। एक छोटा सा जवाब दे दीजिए, एक छोटा सा जवाब दे दीजिए। स्टैंड नहीं, राकेश भाई अपना स्टैंड भी तय कर लें कि क्या अगर कहीं मंदिर है, मंदिर को तोड़ के मस्जिद बनाई गई है तो आप वहां मंदिर बना देंगे क्या? एक तो ये बात भाई, ये अगर मगर नहीं है, अगर ऐसी बात है कि मंदिर तोड़कर मस्जिदें बनाई गई हैं, अगर बनाई गई हैं, अगर बनाई गई हैं, अगर की बात नहीं है आपके हिसाब से, अगर होगा राकेश भाई 10 सेकंड दे दीजिए मुझे, सिर्फ कहीं मस्जिदों का डॉम होता है क्या इस तरह का? भाई अजगर साहब सुनिए, अजगर नहीं, असगर वकील साहब आप सुनिए, आप ये फोटो देखिए और ये बताइए कहीं मस्जिद में इस तरह का गुम्मद होता है क्या, कोई शिखर इस तरह का होता है? बताइए आप पहले, अरे बताओ ना पहले मेरी बात का जवाब दो वकील साहब। नहीं, मैं असगर भाई, ये आपकी बात बिल्कुल गलत है, आपका स्टैंड क्या है? नहीं नहीं, मैंने आपसे पूछा 91 का एक्ट क्या मना करता है कि शिवालय मस्जिद को लेकर अगर कुछ दावे हैं तो जांच नहीं होनी चाहिए? अरे भाई आप जांच से क्यों रोकना चाहते हैं? आपका मकसद क्या है? आप जांच क्यों नहीं चाहते हैं? आपका मकसद क्या है? जांच क्यों नहीं चाहते हैं? डर है सच्चाई सामने आ जाएगी, छोड़ना हो जाएगा। अगर आप इस बात के लिए तैयार है तो पहले बाबरी मस्जिद वापस कीजिए। नहीं, क्यों वापस करिए? आप ये कहते हैं क्यों वापस करिए? नहीं होगा तो हम वहाँ मंदिर नहीं बनाएंगे। नहीं, नहीं, नहीं। बाबरी मस्जिद तो इस केस में फाइल नहीं, पहले बाबरी मस्जिद वापस करने का क्या मतलब होता है? उसका फैसला हो चुका है। आप तो वकील हैं, वकील की तरह बात करिए भाई। आप वकील हैं ना, वकील की तरह बात करिए ना। आप जब सुप्रीम कोर्ट का फैसला हो चुका है और 91 के पर्चिप एक्ट में बाबरी मस्जिद था नहीं, तो फिर आप कैसे वापस करिए? आप ठीक है, आप आगे बढ़ता हूँ, आगे बढ़ता हूँ। ठीक है रावत साहब, असगर भाई रुक जाइए, दो मेहमानों ने अभी कुछ नहीं बोला है, रुक जाइए, रुक जाइए, असगर भाई रुक जाइए ना सर प्लीज। ऐसे नहीं होता, ऐसे नहीं होता। आप नहीं बता पाए कि 91 का एक्ट क्या जांच से भी रोकता है क्या? आपको पता है कि नहीं रोकता है, लेकिन जांच से डर कहता। ठीक है, मैं स्टूडियो में हूँ, असगर भाई रुक जाइए, रुक जाइए। नोमानी साहब, अरे आपका स्टैंड नहीं असगर भाई, आप नहीं बता रहे कि जांच से डर क्यों रहे हैं? ठीक है नोमानी साहब, सवाल क्या है? ठीक है, आप सवाल ही नहीं समझ पाए इतनी देर में। ठीक है असगर भाई, मुझे नोमानी साहब के पास जाने दीजिए, आपके पक्ष की बातें रखेंगे। नोमानी साहब, जांच में डर क्यों, और किसी मस्जिद का ऐसा गुंबद देखा है क्या जो रावत साहब ने बात कही? देखिए कई चीजें जो है वो कथनी होती है, कुछ चीजें जो है वो व्यवहारिक समस्याओं से जो है संबंधित होती है। जब कई जो है समुदाय के लोग भारत में रह रहे हैं और कहीं अगर विवाद होता है तो हम तो ये आप और हम ये चाहेंगे कि जो है जांचने हो, लेकिन जब जो है व्यवस्था है और यहाँ न्यायालय है और कहीं कहीं जो है वो कानून है, वो तो विवाद होगा तो वो तो आप नहीं रोक पाएंगे उसको व्यवहारिक रूप से। जांच होनी चाहिए ना, तो आप रोक कैसे सकते हैं उसको? नहीं नहीं, रोकने की बात कहां से आ गई, जांच होनी चाहिए कि नहीं, आप पक्ष में हैं कि नहीं जांच के? देखिए जहां विवाद होगा तो वो पूरी प्रक्रिया चलेगी, प्रक्रिया तो उसी में है, वो पक्ष में कि विपक्ष में? नहीं, खाम खा जो है अगर कोई विवाद बना रहा है मैं उसके खिलाफ हूँ, खाम खा, लेकिन अगर जो है कुछ लोगों को लगता है
कि जो है इससे हमारा पक्ष और या आस्था जो है जुड़ी हुई है और मुद्दा बन रहा है, तो आप उसको रोकेंगे कैसे? वो एक्सेप्ट करने का मतलब यह है कि और आर्डर दे दिया गया जांच का, तो आप उसको कैसे रोकेंगे? मैं कहता हूं कि जो व्यवहार है उसमें उससे आप अपने आप को अलग नहीं कर सकते, ठीक है? मतलब मैं मानकर चल रहा हूं कि जांच होनी चाहिए, ठीक है? जवाब साहब बताइए, रोक नहीं सकते। देखिए, मेरा स्टैंड ये है, इतिहास वो है जिसको हम बदल नहीं सकते। आज के इतिहास को ना के यहाँ के हिंदुओं ने बनाया ना मुसलमानों ने, और हर जगह शिवलिंग देखना, इससे मैं इत्तेफाक नहीं रखता। ये स्टेटमेंट मोहन भागवत साहब का दिया हुआ, ये जो मैंने अल्फाज और जुमले अख्तियार करे अभी, मोहन भागवत साहब एक बात कह रहे हैं, उसके विरुद्ध जाकर के जो है कुछ लोग अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने के लिए, अपना पॉलिटिकल नैरेटिव चलाने के लिए यहां पर इस तरीके की बात कर रहे हैं। और वो कौन है? वो कौन है? उसमें भारतीय जनता पार्टी के, मैं बार बार कह रहा हूं, भारतीय जनता पार्टी के लोग जो है मुलव्विस हैं। और रही बात अभी रिजवान साहब बहुत लंबी लंबी ऐतिहासिक बातें कर रहे थे, अभी बहुत लंबी इतिहास सुनिए सुनिए, तो ये बताइए पुष्पमित्रा सिंह कौन था जिसने बौद्ध मंदिर तोड़े हैं 84,000? वो क्या बौद्ध कल को आके क्लेम करेंगे? कल जो आकर के बौद्धिस्ट क्लेम करेंगे आकर के कि मेरे 84,000 मंदिर तोड़ो, नहीं तो माफी मांगेंगे? सुनिए, आप बताइए माफी मांगेंगे चीज को लेकर? सुनिए, नहीं मांगेंगे ना कैसे? अरे इतिहास के अंदर जो हो गया उसको ना बदलेंगे? ये मेरा इतिहास नहीं है। नहीं सुनिए, नहीं ये मेरा इतिहास नहीं है। पूछिए मोहन भागवत साहब को, पकड़िए मोहन भागवत साहब को। मोहन भागवत साहब क्या बयानबाजी कर रहे हैं? आपने शुरुआत का जिक्र किया, अरे मेरा भी मोहन भागवत साहब, अरे आपकी बात को मैं आपके सामने रख रहा हूँ, मेरी बात नहीं, मोहन भागवत साहब आपने क्या कहा? मोहन भागवत साहब की एक लाइन आप बोलिए, मैं आपने कहा कोट कर रहा हूँ, आपने कहा कि इतिहास बदल नहीं सकते, ये मोहन भागवत साहब ने कहा है। आप हर मंदिर आप अपना टेक दीजिए, आप अपना टेक दीजिए, अपना टेक, इतिहास बदला जा सकता है कि नहीं? नहीं नहीं बदला जा सकता। अब सुनिए और सुन लीजिए, इतिहास कैसे बदला गया? से चलेगा, आस्था की बुनियाद पे नहीं चलेगा। सुनिए, ये तो जाकर के ताजमहल पे क्लेम कर रहे हैं कि वो ताजो मंदिर है, तो क्या करेंगे उसके लिए? सुनिए सुनिए, दिक्कत और समस्या ये है, मानसिकता है इनकी। सुनिए, इतिहास किसने बदला है? हाँ, मैं आपको पुष्पमित्रा सिंह कौन था, उदाहरण देता हूं, मैं भाई के पास जाता हूं। अरे सुनिए, 84,000 का मंदिर मंदिर जवाब भाई आप सुनिए, जवाब कौन देगा? ठीक है, सुनिए, माफी मांगेंगे रिजवान साहब, कितने मंदिर के मुसलमानों से देगा माफी? और इतिहास बदल गया था, इतिहास के साथ आपका जो है संवैधानिक मूल भी जुड़ा हुआ है रिजवान भाई, इसके बाद देश आजाद हो गया, आप चाहते देश रिजवान भाई और इतिहास को बदला, टीपू सुल्तान ने इतिहास को बदला, ये इन्हें दिखाई नहीं देता है। पुष्पमित्रा सिंह कौन था जिसने चौथी के राज? सुनिए 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 जवाब साहब, जवाब साहब एक एक करके, जवाब साहब जवाब सुनिए, फिर आऊंगा आपके पास। गजब बात है, सुनिए जवाब सुनिए रिजवान भाई, क्यों इतिहास से डर रहे हैं? सुनिए सुनिए राकेश भाई, सुनिए रिजवान भाई, राकेश भाई जवाब दे दूं? जी जवाब दे दूं? जी हाँ जवाब दे देता हूँ। एक तो साहब कुछ लोग आपके डिबेट में ऐसे आते हैं जो बिना रिजवान का नाम लिए उनकी बाइट पूरी नहीं होती, थैंक यू वेरी मच, पहली बात। नंबर टू बात, अभी साहब ने कहा मोहन भागवत जी ने ये बोला था, बड़ी जल्दी मोहन भागवत की बात मान ली। अरे मोहन भागवत, अरे वो समझा रहे हैं, उनको खुद पता है देश में 99% मुसलमान जो हैं वो कन्वर्टेड हैं, वो कन्वर्टेड हैं, तो उनकी वो वाली बात भी मान लो। दूसरी बात तो तीसरी बात कन्वर्टेड है, तीसरी बात अभी किसी ने कहा कि नहीं, जो बौद्ध धर्म के लोग अभी जा करके यहाँ पर जंतर मंतर पे कन्वर्ट हो रहे थे, वो कौन सी तलवार के लोग हो रहे थे और कौन सी मानसिकता के लोग विरोध कर रहे थे? वो मुसलमान थे क्या? जवाद भाई, जवाद भाई सुनते हुए एक एक करके, ना कोई एक एक करके सुनते हुए, आप बोल रहे थे रिजवान भाई ने बात सुनते हुए अपनी बात रखिए प्लीज प्लीज सुनते हुए। अरे एक एक डायपर बांधो भैया, एक एक करके, एक एक मुंह में डायपर बांधो यार, अरे अपने मुंह पे मुंह सिक्का चढ़ा लो साहब, यार बड़े भयानक मालूम होते हो। रिजवान है बेटा, बेटा मेरा नाम रिजवान है, उन्होंने मुझे, अरे पता भैया तुम ही जन्नत के दरोगा बनोगे, करते ना करो, हाँ जन्नत के दरोगा तो तुम ही बनोगे। तो अभी उन्होंने राकेश भाई उन्होंने बोला कि बुद्धिस्ट की बहुत सी मॉनेस्ट्रियां तोड़ी गईं, तो भैया ऐसा है बुद्धिस्ट के वकील ना बनो, अगर बुद्धिस्ट को लड़ना होगा वो लड़ लेंगे, वो नहीं लड़ रहे तो तुम्हारे पेट में काय दर्द हो रहा है यार? क्यों लोगों के हक की आवाज उठाना क्या संवैधानिक हक नहीं है? या अधिकार नहीं है संवैधानिक तौर पे? नहीं कर रहा, नहीं संवैधानिक तौर पे, वो बुद्धिस्ट, तो कौन माफी मांगेगा यार? 84,000 बुद्धिस्ट जो मंदिर तोड़े खड़े उनके लिए माफी कौन मांगेगा? और आखिरी बात, पुष्पमित्रा सिंह किसको रिप्रेजेंट करता था? जाहिल को चौंक कराओ, कितने जो है जवाब भाई, जवाब भाई व्यक्तिगत, एक एक करके व्यक्तिगत नहीं, एक एक करके सुन लीजिए सर, बीच में मत बोलिए प्लीज। व्यक्तिगत क्या होता है, मैं बोल रहा हूँ रिजवान भाई अपनी बात पूरी करिए, बोल रहा हूँ ना,
अब आखिरी बात, अभी किसी साहब ने कहा इतिहास बदला नहीं जा सकता, चाहे इतिहास हो, चाहे साइंस हो, चाहे फिजिक्स केमिस्ट्री के फॉर्मूले हो, कोई भी चीज स्थाई नहीं होती, सब बदली जा सकती है। इतिहास एक आईना होता है, बैक मिरर की तरह, जो आपने पूर्व में गलतियां करी है ना, इतिहासकारों से पता करिए, थोड़ी पढ़ाई लिखाई पे ध्यान दीजिए, लोगों को जाहिलियत की तरफ मत ले जाइए। इतिहास जो होता है वो आईना होता है आपका, और वो इतिहास इसलिए पढ़ा जाता है जो पूर्व में गलतियां हुई है वो भविष्य में गलतियां ना हो, इसलिए इतिहास पढ़ाया जाता है, अपनी गलतियों से सीखने के लिए पढ़ाया जाता है। अब ये वकील भी कैसे हैं, ये मानते नहीं है संविधान भाई, एक मिनट पकड़ के लाते, मैं बार बार कह रहा हूं बीच में मत बोला करिए, लोगों में तमीजी नहीं है, एकदम बीच में मत बोला करिए, ठीक है। ये कौन से मदरसे में पढ़े हैं यार, अरे तुम कौन सी शाखा में पढ़े हुए भाई, तो इतिहास कौन सी शाखा में जाके पढ़े हो, और आने वाले वक्त में अयोध्या में इतिहास बदला गया, और आने वाले वक्त में और जगह भी इतिहास बदला जाएगा, ठीक हाँ, अब आएगा, यानी देश आस्था की बुनियाद पे चलेगा, आगे बढ़ता, संविधान की बुनियाद पे नहीं चलेगा, यही मैं समस्या है, यही कहना चाह रहे हो ना, बातें नहीं नहीं सुनिए सुनिए, इतनी बातें अपने रिजवान भाई की सुनिए, कैसे इतिहास बदला गया सुन लीजिए, 1670 में औरंगजेब ने काशी मथुरा में मंदिर तोड़वा दिया, इतिहास बदला औरंगजेब ने, सुनते रहिएगा, 18 से लेकर गए, व्हाट्सएप से लेकर गए, सुन लीजिएगा सर, रेफरेंस दीजिए मुझे, कौन सी किताब का, कोई व्हाट्सएप मुझे किताब का रेफरेंस दीजिए, बाकायदा रिसर्च है, हाँ, कौन सी रिसर्च, मस्जिद जौनपुर में 1408 में सुल्तान इब्राहिम शारकी ने अटाला देवी मंदिर स्थान पर मस्जिद, अरे पुष्पमित्रा क्यों का जिक्र नहीं है, पुष्पमित्रा अरे राजा अशोक ने क्यों धागा बदल दिया, अब आपके पास कोई जवाब नहीं है, अशोक ने क्यों बदल दिया, आपके पास कोई जवाब नहीं है, उस वक्त कोई मुसलमान थे, अरे उस वक्त राजा अशोक के जमाने में मुसलमान थे, अच्छा एक बात इतिहास है, एक बात बताइए भैया, अच्छा रिसर्च टीम ने आपको तैयारी नहीं करवाई है, मैं आपको बताऊं, आप बताइए राजा अशोक ने अपना धर्म क्यों बदला, मुसलमान थे उस वक्त, अच्छा एक उस समय इस्लाम था, इस्लाम था उस वक्त, गजब बात कर रहे हैं आप, बहुत बेहतरीन, तो फिर उसने इस्लाम क्यों नहीं बौद्ध धर्म अपनाया, इस्लाम शुरू गजब बात है, बाबा आदम के जमाने से इस्लाम है, इस्लाम जवाब के जमाने में नहीं आया, बाबा आदम अलैहि सलाम के जमाने से आया, पढ़ लिया करिए थोड़ा, नवानी साहब एक चीज बताइएगा, और उसके बाद मैं रावत साहब को एक तस्वीर दिखा के कहूंगा, जरा उसके बारे में बताएं, किसी भी इस्लामिक ग्रंथ में किताब में कहीं शिवालय शब्द का जिक्र मिलता है क्या? देखिए शिवालय शब्द का कोई ये नहीं है, कभी ये होता है कि प्राचीन में वहां कोई उस नाम पे जो है कोई जगह हो, कोई पूजा स्थल हो, या उस अच्छा, शिवालय का मतलब आप समझते हैं क्या है? शिवालय किसे कहा जाता है? जहां जो है शिव की जो है शरण होती है, तो वहां पर मस्जिद कैसे हो सकता है? नहीं वो जगह है ना, वो मस्जिद कैसे हो सकता है? नहीं क्योंकि वहां पर शिवालय था, शिव जी का मंदिर था, जरा तस्वीर दिखाइए पीछे, एक मिनट में आता हूँ, नवानी साहब आता हूँ, शिव जो है ना, नवानी साहब आता हूँ, वो शिव हिंदू नहीं है, रुक जाइए, अच्छा रुक जाइए ना, जवाब साहब रुक जाइए, कैलाश पर्वत किसके पास है, शिव जी की जगह कौन सी, कैलाश पर्वत तो चाइना में, रुक जाइए मैं आता हूँ, हर जगह शिव मंदिर देखना, ना मोहन भागवत जी की बात तो नहीं है, ठीक नहीं नहीं अपनी बात रखिए, हो गया सर, हो गया, शिवालय मस्जिद है जिसको लेकर पूरा विवाद है, और ये गुंबद, जरा रावत साहब बताइए जी, क्या ये शिवालय जो मंदिर हुआ करते थे उनका गुंबद है, आप कैसे देखते हैं इसको धर्म के नजरिए? देखिए ये जो शिखर होती है इसको हमारे यहाँ शिखर बोलते हैं, और ये शिखर हमेशा इसी प्रकार से बनती है, आप देखें अगर झूम करके दिखाएं तो ये एक हमने मंदिर बनवा रखा है, ये हमारा मंदिर है मथुरा के अंदर, आप इसकी शिखर आप मिला करके देखिए, बिल्कुल डिक्टो मिलती है ये, और यहां पर ये 7 कलश होते हैं, और आप अगर इस दीवार पे देखेंगे तो आप देखिए नजदीक से देखिए, झूम करके ये जो तस्वीर है आप ये देखिए, यहाँ भी मैं नुमानी साहब को भी दिखा देता हूँ और जब्बा साहब को भी दिखा देता हूँ, इसका मतलब ये है कि पूरा ये पूरा जो डोम है अपनी महारानी के लिए जो मंदिर बनवाया अगर ये होता आप दिखा दो, आप बौद्ध मंदिर लौटाएंगे ना, अरे बौद्ध मंदिर लौटाएंगे या नहीं लौटाएंगे, लड़ाई आप क्यों 84,000 मुझे आप आस्था की बुनियाद पे चलाना चाह रहे हैं ना, देश वकील बन रहे हैं, देश आस्था की बुनियाद पे चलाना चाह रहे हैं ना, देश आस्था की बुनियाद पे नहीं चलेगा, देश संविधान की बुनियाद पे चलेगा, 47 के बाद ऐसे स्टूडियो में नहीं होता, राव साहब शांत होइए, नवानी साहब से बात करिए, मंदिर का कोई रूप नहीं होता है,
एक रूप नहीं, नहीं आप मुझे नहीं ये बताइए हाँ। किसी मस्जिद कैसा गुंबद होता है क्या? ये मस्जिद इस तरह भी हो सकती है, उस तरह भी हो सकती है। मैं आचार्य मस्जिद जो है वो इस तरह भी होती है, उस तरह भी होती है। रिजवान भाई एक टिप्पणी शैलेश जी की, फिर मैं सीधे आपके पास आता हूँ। आचार्य शैलेश जी ये जो मंदिर तोड़े, अरे रुक जाइए ना नमानी साहब, रुक जाइए, मंदिर एजेंडा एक्सपोज होने में इतना बेचैन मत होइए। आचार्य शैलेश जी ऐसा तो मंदिरों में ही हमने देखा है जी। राकेश जी ऐसा है कि जो शिवालय मस्जिद की बात हो रही है, यह शिवालय शिवालय से ही है, भगवान शिव का आश्रम, भगवान शिव का आलय मतलब घर, भगवान शिव जहाँ रहते हैं उस मंदिर को शिवालय कहा जाता है। वह मस्जिद हो ही नहीं सकता, वह मस्जिद बनाई गई है और वह टूटनी चाहिए, चाहे वो संवैधानिक तरीके से टूटे या कानून के तरीके से टूटे, इस मस्जिद को तोड़ करके वहां पर मंदिर बननी चाहिए और मंदिर जो पहले से थी वह मंदिर में पूजा बरकरार होनी चाहिए। मंदिर ही है और अभी तक कहीं भी हमने ऐसा नहीं देखा कि शिवालय मस्जिद हो, कि कोई नाम नहीं सुना पूरी दुनिया में, कहीं शिवालय मस्जिद नाम नहीं है या मंदिर तोड़ के मस्जिद बनाई गई, एक चीज में रही है अल्लाह का, एक तरफ कहते मंदिर तोड़ के मस्जिद बनाई गई, दूसरी कहते ये मंदिर ही है, साबित हो जाता है कि यह हमारा मंदिर है। चीत भी पट भी आप अपनी जो है रख दीजिए, ये चीत हमारी है, हम कह रहे हैं। रिजवान भाई, रिजवान भाई एक मिनट रुकिए, रिजवान भाई आप वकील भी हैं और मुसलमान भी हैं, आप इस्लाम को समझते भी हैं। मैंने नोमानी साहब से एक सवाल पूछा था कि किसी भी इस्लामिक किताब में, ग्रंथ में, धार्मिक किताब में या पुस्तक में कहीं भी क्या शिवालय शब्द का जिक्र मिलता है, वो मुकर गए नहीं मिलता है। मैंने पूछा शिवालय का मतलब क्या है, मैं हिंदू हूं और जब मैं शिव मंदिर में जाता हूं तो शिव मंदिर, अरे रुक जाइए ना नोमानी साहब, मैं रिजवान भाई से बात कर रहा हूं, नहीं बिल्कुल आई विल नॉट अलाउ, मैं बिल्कुल अलाउ नहीं करूंगा, ऐसा नहीं है। कुरान में कैसे ये लफ्ज आएगा अरबी का, रुक जाइए ना पहले, रुक जाइए। तो मैं क्या कह रहा हूं कि आ गया, मैं तो समझने की कोशिश कर रहा हूं ना रिजवान भाई, मैं मंदिर में जाता हूं शिव जी के तो उससे हम शिवालय बोलते हैं, और मैं चूंकि पूर्वांचल से हूं तो वहां भोजपुरी में शिवल्ला भी कई लोग बोलते हैं, ठीक है। ऐसे ही जिस देवता का मंदिर उस नाम से पुकारा जाता है, तो यहां पर भी नोमानी के साहब के पास कोई जवाब नहीं है। ये तर्क ज्ञानवापी में भी था कि ज्ञानवापी का कोई जिक्र है क्या, ये जिक्र अटाला मस्जिद में भी है, अटाला देवी मंदिर वहां पर मस्जिद बन गया, तो फिर ये कुतर्क कहां से कि वहां पर तो मस्जिद ही था पहले। ऐसा है राकेश भाई, हमने ज्ञानवापी पे डिबेट्स में ये तक सुना है, और असगर भाई यहीं बाई चांस इसी पैनल में हैं, कि भाई ज्ञानवापी मस्जिद में त्रिशूल और डमरू इस मारे मिले क्योंकि वो दीने हिलाई, दीने इलाही की मानता को मानते हुए वो मस्जिद बनाई गई थी। अब इन लोगों की बातों का जवाब तो नहीं दे सकता ना कोई आदमी जिसमें थोड़ी बहुत भी अकल हो, पहली चीज। अभी आपके साथ एक साहब कह रहे थे कि ये कहां लिखा है कि ज्ञानवापी तोड़ी गई, ये सनराइज ओवर अयोध्या किताब है, ये सलमान खुर्शीद साहब ने लिखी है, सनराइज ओवर अयोध्या, कांग्रेस के नेता रहे हैं, मुसलमान हैं, पेज नंबर 103 पे लिखा है, 1120 1124 में मोहम्मद गौरी ने तोड़ा, जल्दी जल्दी बता देता हूं, 1194 में कुतुबुद्दीन ऐबक ने तोड़ा, 1351 में सुल्तान ऑफ दिल्ली ने तोड़ा, और 1669 में औरंगजेब ने तोड़ा। भैया ये मैं नहीं कह रहा, ये किताब कह रही है, थोड़ा बहुत तो पढ़े होगे ना मदरसे में अंग्रेजी, ये किताब खरीद लो और जाके सलमान, अरे उसमें कोई हवाला नहीं है, सलमान खुर्शीद हवाई बातें कर रहे हैं, मैंने खुद 165 पेज की किताब लिखी है जवाब में, ये इतिहास के आदमी नहीं है, आप बताइए उसमें किसी किताब का नाम है, ये मतलब किसी किताब का नाम है उसमें, सलमान खुर्शीद उस वक्त थे जब मंदिर तोड़ा जा रहा था, सुन लो ना, कोई हवाले उन्होंने नहीं दिया है, सुनी सुनाई बात पे जो इन्होंने, सुन लो बेटा सुन लो, अरे बेटा सुन लो बेटा, तुमसे हमारी ज्यादा उम्र है, मदरसा नहीं है जो चिल्लाते रहोगे, ये मदरसा नहीं है, राफजिया मत फैलाओ, सुन लो, बदबू मत फैलाओ, तो फिर बदबू मत फैलाओ, अगर किसी भी किताब में नहीं लिखा है,
अगर किसी भी किताब में नारे सुन लो ना यार, अरे मदरसा नहीं है जो चिल्लाते रहोगे। मानी जी सुन लीजिए, फिर आप जवाब दे दीजिएगा, मैं आप ही के पास रहूंगा। अगर किसी भी किताब में नहीं लिखा है, इतिहास पढ़ा करो जो समकालीन। हमारे यहाँ सुन लीजिए ना, अभी आप रेफरेंस मांग रहे थे, वो रेफरेंस दे रहे हैं तो भी दिक्कत हो रही है। कोई रेफरेंस? अरे तो सुन लीजिए ना, उसके बाद आप जवाब दीजिएगा। ऐसे नहीं होता है, प्लीज शांत रहिए, प्लीज शांत रहिए, प्लीज शांत रहिए, एक एक करके। राकेश भाई जी, राकेश भाई, अगर 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 किसी भी किताब में नहीं लिखा है कि बेटा किस माँ का है, तो बेटे का डीएनए करवा लो ना, तुम्हारे पेट में दर्द काहे हो रहा है, पता चल जाएगा किस माँ का बेटा है। बिल्कुल ठीक बात है, होना चाहिए, हो गया। ठीक है जवाब साहब, एक और रेफरेंस है। हाँ। औरंगजेब के समय ही हाँ। बाकायदा उस समय की किताबों में इस बात का जिक्र है हाँ। कि किस तरीके से ज्ञान वापी मंदिर तोड़ने का ऑर्डर था। अच्छा शिवालय कहाँ जिक्र मिलता है? शिवालय जो है वो जगह है, जैसे शिवालय जगह नहीं है, हिंदू धर्म में शिवालय जहाँ शिव जी का मंदिर होता है उसे शिवालय कहते हैं, उसे शिवालय कहते हैं। पूरी अयोध्या है, आप समझा करिए, मंदिर भी है, हिंदू मुसलमान सब है। इसी तरह जो है वाराणसी जो है, काशी जो है, वो शिव नगरी है, वहाँ हिंदू मुसलमान सब है, मस्जिद भी है, मंदिर नहीं, भी है। तो पूरे काशी को शिवालय नहीं कहते हैं? जहाँ शिव जी का मंदिर है, जहाँ शिव शिव नगरी है। असगर भाई मैं आता हूँ, असगर भाई आता हूँ, असगर भाई आता हूँ, जमीन जी आप भी पढ़ लीजिए। मैंने फिर तो आप पढ़िए स्कंद पुराण में, स्कंद पुराण में कैसे लिखा है कि मूल शिवलिंग कहाँ पर है? रावत साहब जरा ये बताइए, धर्म में शिवालय का क्या जिक्र है? सुन लीजिए, सुन लीजिए, धर्म में शिवालय का क्या जिक्र, सुन लीजिए रावत साहब से। फिर मैं कभी क्या मैं राकेश जी इनको बहुत बड़ा विद्वान मानता हूँ, नुमानी साहब को, ये सच बोलते हैं क्योंकि ये हिंदू धर्म की भी जानकारी रखते हैं और मुसलमान धर्म की, लेकिन आज ये हमारी बातों का जवाब नहीं दे पा रहे। मैं पूछ रहा हूँ कि कहीं इस प्रकार का स्ट्रक्चर आप कहीं किसी मस्जिद का है पूरे वर्ल्ड के अंदर कहीं है कि नहीं है? यही भारत के अंदर नहीं है, केरल के अंदर बताओ ना, केरल के अंदर दूसरी चीज, दूसरी चीज किसी मस्जिद के ऊपर कलश होते हैं क्या? अरे किसी मस्जिद में होते हैं क्या? राजा केरल की हिस्ट्री पढ़ लीजिए, केरल के गजब बात है। और शिवालय वो होता है जहाँ शिव का घर होता है, जहाँ शिव का घर होता है उसको शिवालय बोलते हैं। एक एक करके जी, ताजमहल प्लीज आप सुनिए, कुछ लोग ताजमहल को जो है, अरे अरे अभी, अरे ठंड पाओ थोड़ी सी। हाँ मैं ये कह रहा हूँ, कुछ लोग जो है, आप देखिए ताजमहल को भी जो है बहुत से एक बड़े विद्वान आदमी ने कहा था वो ताजमहल है, और उसके बाद दोनों मेरी बात का जवाब दो, सुनिए सुनिए मेरी बात का जवाब दो। वहां पर अभी कुतुब मीनार के ऊपर भी कुछ लोग पहुंच गए थे दावा करने के लिए। दोनों आपने क्लेम का अच्छा जिक्र किया, इसकी बात करो आप। स्थान शिव जी का असली स्थान कहाँ है? कैलाश पर्वत, वो किसके पास है? उसके अलावा कहीं मंदिर नहीं हो सकता है? वही तो पूछ रहे हैं, चाइना से कब लेने चलोगे? वो ले नहीं पा रहे, इसी को कुतर के कहते हैं चीजें जो है। अरे जवाब भाई, इसी को कुतर के कहते हैं, जो इसी को कुतर के कहते हैं। मैं सुन रहा हूं, असगर भाई आप कुछ बोल रहे हो? नहीं कड़वा कड़वा दूध ये बात से इतराज आ गया। ठीक है असगर भाई, इसके बाद हमको असगर भाई एक मिनट रुकिए, जवाब भाई 10 मंदिर के अंदर सबसे पुरानी मस्जिद है कौन से बादशाह ने बनवाई? शांत होइए, अशोक ने क्यों छोड़ा था? यही तो हम पूछ रहे थे। अरे हो गया जवाब भाई, चला गया था जवाब भाई प्लीज। स्टूडियो की आवाज बंद कर दीजिए, स्टूडियो की आवाज बंद कर दीजिए, मेरी भी आवाज बंद करिए, सिर्फ असगर भाई की आवाज जाएगी जी। मेरा कहना राकेश भाई, मैं ये कहना चाहता हूं कि हम जगहों के नाम से मंदिर और मस्जिद को तय नहीं कर सकते। मिसाल के तौर पर मैं रामपुर का रहने वाला हूं, अगर हम जगहों के नाम से ये लें, सिर्फ मुझे 30 सेकंड दे दीजिए आप, इससे ज्यादा नहीं। ठीक है, अगर मैं रामपुर का रहने वाला हूँ और आज अभी रामपुर से ही बोल रहा हूँ,
तो यहाँ पे क्या कोई मस्जिद नहीं होगी? सिर्फ मंदिर हो चुकी है, इसका नाम तो रामपुर है। मैं दिल्ली में जिस जगह रहता हूँ उस जगह का नाम भास्कर कंपाउंड है, उसमें मस्जिद है और उसको बोला जाता है कि भास्कर कंपाउंड वाली मस्जिद है। तो क्या भास्कर कंपाउंड वाली मस्जिद, भाई इसका नाम भास्कर है, ये तो हिंदू के नाम पे है, ये तो मुसलमान हो ही नहीं सकती, मस्जिद हो ही नहीं सकती, ये तो मंदिर होगा। नामों से, जगहों के नामों से हम तय थोड़ी करेंगे। और रावत साहब जो अभी फोटो दिखा रहे हैं वो उसका कोई रिजेम्बलेंस नहीं है इससे, वो मंदिर क्यों नहीं है फोटो से इसका कोई रिजेम्बलेंस नहीं है। नहीं नहीं असगर भाई, इसी को लाल किले पर मस्जिद तो रिजवान भाई एक मिनट रुक जाइए, रिजवान जी उतर के की कोई और परिभाषा आपको समझ में आती है क्या? जो यहाँ पर चाहे जवाब साहब ने कही हो या फिर जो असगर खान कह रहे हैं, कुतर्क की कोई और परिभाषा आपको आती है क्या रिजवान भाई? मुझे आती है, आपको शायद मालूम नहीं, आपको तो बहुत आती है, वो समझ में आ गया कि एक वकील होने के बावजूद आप कैसे कुतर्क कर सकते हैं? मुझे आपकी सोच की परिभाषा ही मालूम है, आपकी जो सोच है। नहीं नहीं, मेरी सोच पर मत जाइए, मेरी सोच बहुत क्लियर है और हर दिन जाहिर होती है। रिजवान भाई एक मिनट रुक जाइए, रिजवान भाई यहाँ बायस नहीं होना चाहिए, बिल्कुल वकील साहब को मस्जिद आपने देखी है कहीं अदा? मैं इसलिए कह रहा हूँ कोई उसका रिजल्ट नहीं है, बात का जवाब दो अभी भी दोनों नहीं, अभी नहीं, अभी अभी नहीं जाइए रावत भाई, और जो रावत जी रुक जाइए, अभी अभी सिर्फ नहीं अभी सिर्फ असगर खान और रिजवान जी की आवाज होने आ रहा है, अभी सिर्फ असगर खान और रिजवान जी की आवाज होने आ रहा है। रिजवान जी आपका जवाब, रुक जाइए प्लीज, रिजवान जी की आवाज सिर्फ बोले। देखिए राकेश जी ऐसा है कि कुतर्क का जवाब कुतर्क से ही दिया जाता है। अब असगर भाई ने बोला कि भाई नाम से क्या फर्क पड़ता है, तो असगर भाई ऐसा है कि अपने पोते का नाम ना संजय खान रख देना कोई फर्क नहीं पड़ेगा, या श्याम खान रख देना कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इतनी बेवकूफी की बात मैं करता नहीं हूँ, लेकिन क्योंकि आप जाहिलों वाली बात कर रहे हैं, जवाब जाहिलों वाला दे रहा हूँ पहली बात। ये दूसरी बात, जो है दूसरी बात, अरे ये, आप वकील हो थोड़ी, ये तो कादियानी काफी, अरे सुन लो, देखो अपनी औकात पर आ गए, देखो अपनी औकात पर आ गए, देखो औकात पर आ गए, देखो अभी देखो मैंने काउंटर धर दिया, अपनी औकात पर आ गए, अपनी औकात पर आ गए, इसको ना बात करने आगे अपनी औकात, जैसे इसका खानदान है वैसे ही बोल रहा है, अपने दांत निकालता है, गंदी नाली का कीड़ा है ये, जाहिल है, इसको कुछ पता है नहीं। असगर खान आप बोल रहे थे, रिजवान भाई ने सुना, अब उनको सुन लीजिए, फिर आप जवाब दे दीजिएगा, फिर शैलेश जी स्टूडियो में उनका रुख करूंगा, एक एक करके असगर भाई, एक एक करके प्लीज जी। राकेश जी अभी आपने जब पैनल को इंट्रोड्यूस किया था, तो असगर खान साहब को आपने वकील बताया था आपने, ठीक है ना? और अभी देखो आधे घंटे बाद उस वकील ने दिखा दिया कि अंदर से वो क्या है, ये जाहिल आदमी। तो मुसलमान चाहे मौलाना हो चाहे वकील हो, इसके माँ बाप ने जो सिखाया गलत बोलाते हैं, गंदी नाली का कीड़ा बुला के परिवार से। नहीं नहीं, एक मिनट मैं इंटरप्ट करता हूँ, कोई किसी का ये गलत शब्दों का इस्तेमाल नहीं करेगा, और रमानी जी आप तय नहीं करेंगे सर की पैनल पर कौन आएगा कौन नहीं आएगा, ठीक है? आचार्य शैलेश जी मुसलमान और इस्लाम जाइए ना, आप नहीं तय करेंगे ना कौन आएगा कौन नहीं आएगा, मुसलमान और इस्लाम के नुमाइंदे आप नहीं तय करेंगे रमानी साहब, आप नहीं तय करेंगे, ठीक है आचार्य शैलेश जी, नहीं आप नहीं तय करेंगे ना, आप नहीं तय करेंगे भाई, आप नहीं तय करेंगे, इस्लाम और मुसलमानों के बारे में। रमान जी 20-30 सेकंड अपनी बात पूरी करिए, फिर मैं शैलेश जी का रुख करता हूँ। राकेश भाई बात खत्म कर दूं जी, बात खत्म कर लूं जी, खत्म नहीं हो पाई अभी तक। राकेश भाई एक बात हमेशा याद रखिए, आप मॉडरेटर हैं आपको, लेकिन मुझे ज्ञान नहीं देना चाहिए, कभी भी ये लोग बदतमीजी करें इनको कभी ना रोको, इनकी यही बदतमीजी इनको एक्सपोज करती है ये कितने जाहिल लोग हैं, कभी ना रोका करो इन लोगों को। तू शुरू करता है, सबसे पहले तू शुरू करता है पूरे चैनल। नहीं नहीं ये प्लीज ये तू तड़ा की भाषा है, नहीं 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 ये तू तड़ा की भाषा है भाई, ये तुम तड़ा की भाषा नहीं चलेगी, सभी मर्यादा रखें। मैं स्टूडियो वापस आता हूँ,
शैलेश जी हमारे साथ स्टूडियो में। अरे रुक जाइए ना नौमानी जी प्लीज, हर किसी के बीच में नहीं बोला करते हैं। आचार्य शैलेश जी, जी कई सारी ऐसी जगहें हैं शिवालय का कहीं कोई जिक्र नहीं, उसके बावजूद कह रहे हैं कि नहीं नहीं वो तो शिवालय मस्जिद हो सकता है। ज्ञानवापी में भी यही बातें थी, अटाला मंदिर की जगह वहां पर मस्जिद बन गया, ऐसे कई सारे उदाहरण हैं। और जांच की बात कहिए तो डर लग जाता है, इतिहास ही कुछ ऐसा है। देखिए पांडे जी, शिवालय से ही सिद्ध हो जाता है कि भगवान शिव का आलय, आलय का हिंदी होता है घर, भगवान शिव का घर मतलब शिव मंदिर। शिवालय मस्जिद कभी हो ही नहीं सकता, यानी मंदिर को गिरा करके या मंदिर के ऊपर ओवरलैप करके मस्जिद बनाया गया। जब किसी के घर पर आप जो है जा करके हमला करते हैं या उस पर जा करके और बैठ जाते हैं तो कानून है, कानून उसको हटाएगा, और साथ ही साथ जब हम मजबूत होंगे तो उसे हटाएंगे। वही बात है, आज जरूरत है जो भी हमारी मंदिरें जहां पर भी इंक्रोचमेंट इन्होंने किया है उसको हटा करके वहां पर मंदिर कानूनी रूप से प्राप्त करने का। हमने अयोध्या राम मंदिर को प्राप्त किया, कानून के द्वारा प्राप्त किया, हमने ज्ञानवापी को प्राप्त करना है, हम प्राप्त करेंगे कानून से, हम मथुरा को प्राप्त करेंगे। और शिवालय मस्जिद जो है वह शिवालय मस्जिद नहीं होगा, शिवालय मंदिर होगा, और वो हम कानून के द्वारा प्राप्त करेंगे। कानून में हम पहले एक सवाल, कानून के द्वारा हम पहले जांच के लिए आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया को जांच के लिए किया जा रहा है, अब जो है कोर्ट फैसला देगा, सर्वे होगा, सर्वे से पता चल जाएगा कि वह मंदिर है कि मस्जिद है। अगर सर्वे से हमारा सिद्ध होता है कि हमारा मंदिर है तो कानूनी रूप से हम मंदिर को प्राप्त करेंगे। अगर वह मस्जिद था है तो फिर ये लोग रखे, हमें कोई मतलब नहीं है। लेकिन हमारा भारत की संस्कृति को तोड़ मरोड़ करके जिस तरह औरंगजेब ने, मुगलों ने और बाद में मुस्लिम शासकों ने किया है, ठीक अब उस समय आ गया है हमें मंदिरों को प्राप्त करने का। जवाब जवाब भाई सुन लीजिए, सुन लीजिए, व्यक्तिगत मत लीजिए, करिए आप अपनी बात। अरे आप अपनी बात रखिएगा, आप अपनी बात रखिएगा, एक सवाल सुन लीजिए, आप अपनी बात रखिएगा। उसके साथ जी वक्फ बोर्ड को लेकर भी जांच चल रही है जैसा धर्मपाल साहब ने कहा, ठीक है। तीसरी सबसे ज्यादा प्रॉपर्टीज वक्फ बोर्ड के पास है, तमिलनाडु के त्रिची में एक गांव है, पूरा गांव ही वक्फ बोर्ड के पास चला गया, तो ये इंक्रोचमेंट तो घुसा हुआ है सर। ये इंक्रोचमेंट कब से घुसा हुआ है, ये तो कब आया? अरे हमें तो पता है ना, आप रिसर्च करके आए, आप बताइए ना सर। इंक्रोचमेंट देखिए, मेरे पास कोई जानकारी नहीं सर, सुन ले, मैं पढ़ लिख कर नहीं आता हूं, कहीं मान के चलिए। इसे तो हमसे सीख लीजिए, हम भी पढ़ के बिल्कुल। आप अभी आचार्य जी संविधान की बात कर रहे थे, है ना, संविधान तो मानते होंगे ना? अरे संविधान में मानते हैं ना, संविधान के अंदर सेक्युलरिज्म लगेगा। ये देश को आप हिंदू राष्ट्र बनाना चाहते हैं या नहीं चाहते हैं? ये देख लीजिए, ये संविधान को तोड़ने वाले लोग हैं, ये इससे पता चलता है कौन बनेगा, आप नहीं रोकेंगे तो आप नहीं 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 उसको हिंदू राष्ट्र बनाएंगे। ये उनकी अपनी राय है, क्या दिक्कत है? अरे राय नहीं है, इनसे पूछ लीजिए। अरे साहब आपकी राय क्या है? ये देश अरे मुस्लिम राष्ट्र बनने वाला है क्या? सुनिए सुनिए, हिंदू राष्ट्र बनने वाला है, मुसलमान नहीं रह सकता क्या? अरे हिंदू राष्ट्र, अरे आप सुनिए ना, आप जवाब मांगिए, आप बोल रहे हैं यहां पर आकर किसने मना किया है, किसने मना किया? अरे उनकी बात छोड़िए, एक मौलाना साहब, अरे सुनिए, एक मौलाना साहब यहाँ आकर सुनिए, देश संविधान से चलेगा, संविधान में समय समय पर बदलाव होते आया है, हिंदू राष्ट्र कैसे होगा, समय समय पर हिंदू राष्ट्र कैसे हुआ नहीं, हो जाएगा, सेक्युलर मुल्क हो जाएगा, देश के अंदर जो हमारा हो जाएगा, हमारा देश जो है जिसके अंदर हुआ नहीं है हुआ, उससे तकलीफ है, अभी हुआ नहीं है, हो जाएगा, सेक्युलर नहीं लेना चाहते, हो जाएगा, यही हिंदू मुसलमान के बीच लड़ाई करके जवाब भाई सुनिए, अपनी राजनीति, अरे सुनिए सुनिए सुनिए, अरे भाई, अरे जवाब भाई सुनिए, सुनिए, हिंदू रहते हैं कि नहीं रहते हैं, हिंदू मुसलमान नहीं होगा, हिंदू रहते हैं कि नहीं रहते हैं, भविष्य में राम मंदिर भी टूट जाएगा, भारत सनातनियों का है। एक मौलाना सुन लीजिए, मेरी सवाल सुनिए, तो इसलिए डिबेट की आज लाइन नहीं है कि हिंदू राष्ट्र, इस्लामिक राष्ट्र, संविधान की बात हो रही थी, संविधान की बात हो रही थी, क्यों संविधान के बारे में फिर जांच से क्यों दिक्कत है? शिवालय मस्जिद को लेकर जांच हो रही है तो क्यों दिक्कत है? 91 प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट के अंदर वो जांच से मना करता है क्या? वो एक्ट मना करता है क्या? जांच के लोगों वो एक्ट मना करता है कि राम मंदिर को छोड़ करके, सुन लीजिए, अरे आप 1991 के प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट की डिबेट देखेंगे, अरे सुनिए, संसद के अंदर तो उसमें ये कहा गया था राम मंदिर को छोड़ करके कोई मंदिर मस्जिद अगर किसी के ऊपर भी, अरे सुनिए ना पहले, प्लेस नहीं, अरे ठीक है, अरे इंक्रोचमेंट की बात कर रहे हैं, मुसलमानों ने किया है,
दृष्टांत हो गया। आप चाहते हैं 45 के अंदर आजाद हुआ, उसके बाद हमें संविधान मिला। भाई आप चाहते हैं कि संविधान के मुकाबले बिना चले देश, और आप मोहन भागवत की बात को नहीं मानेंगे। जो मोहन भागवत बात कह रहे हैं आप, मुझे मत पासन पर मत ये बताइए ना, ठीक है पहले सुनिए, आप मोहन भागवत की बात का समर्थन करते हैं? हो गया, अरे रुकिए एक मिनट रुकिए, व्यक्तिगत कोई व्यक्तिगत बात नहीं होगी यहाँ पर। हिंदू के द्वारा उसको कोट कर रहा हूं। असगर जी बार बार संविधान की बातें, 91 एक्ट की बात, 91 का एक्ट जांच से रोकता है क्या कि जांच हो नहीं सकती है, सर्वे हो नहीं सकता है? शुरू से विरोध किया था। मैंने शुरू में ही बात कही कि हर चीज का कोई मकसद होना चाहिए। मुझे जांच का विरोध का मकसद क्या है, क्या विरोध का मकसद क्या है कि सच्चाई ना सामने आ जाए? क्या इतिहास के इतिहास में जो छिपा हुआ है वो सच सामने आ जाए, प्रोपेगेंडा खुल जाएगा, आप स्वीकार नहीं कर सकते हैं? राकेश भाई शुरू में मैंने ये बात कही थी, शुरू में रिजवान भाई ने भी कही थी कि आप तो स्वीकार कर लीजिए कि मंदिर तोड़े गए। देखिए हम आपकी बात कर, इतिहास को स्वीकार कर लीजिए कि मंदिर तोड़े गए, ये मंदिर तोड़े गए, उसके बाद मिल बैठ कर तय कर ले कि आगे भविष्य का रास्ता कैसे तय करना है। ठीक है राकेश भाई, उसके लिए हम आपकी बात का एहतराम करते हैं। तो आप मानिए कि मंदिर तोड़े गए, आप मानिए कि औरंगजेब ने काशी का मंदिर तोड़वाया, आप मानिए औरंगजेब ने मथुरा का मंदिर तोड़वाया, आप मानिए टीपू सुल्तान ने मंदिर तोड़वाए, आप मानिए, उसके बाद कहिए कि बैठकर आगे तय करते हैं कि भविष्य का रास्ता कैसे तय होगा। आप खुद मानने को तैयार नहीं है, जहाँ मंदिर नहीं होगा हम वो मस्जिद रहने देंगे। नहीं नहीं यही दिक्कत है, आप स्वीकार नहीं करना चाहते नहीं नहीं एक दूसरे की आस्था का सम्मान करिए नौमानी साहब, बिल्कुल आस्था का मजाक नहीं उड़ने दूंगा मैं यहाँ पर, बिल्कुल आस्था का मजाक नहीं उड़ने दूंगा मैं यहाँ पर, बिल्कुल आस्था का मजाक नहीं उड़ने दूंगा यहाँ पर मैं। काशी विश्वनाथ में मंदिर ही नहीं था, मंदिर ही नहीं था, काशी विश्वनाथ में मंदिर नहीं था तो तोड़वाया क्या वहां पर औरंगजेब ने? मंदिर था नहीं तो तोड़वाया क्या? नहीं असगर भाई ये जो इंक्रोचमेंट की बात है, असगर जी एक और सवाल ले लीजिए, फिर मैं रिजवान भाई का रुख करता हूँ। अरे मत चिल्लाइए सर, एक साहब प्लीज मुझे मत मजबूर करिए कि स्टूडियो में इस तरीके की बातें और मैं कोई सख्त कदम उठाऊं। पहले की बनी हुई है, असगर शर्म करो नौमानी साहब, शर्म करो कम से कम, शर्म करो थोड़ी बहुत, शर्म कर लो। असगर इंक्रोचमेंट की बात और वक्फ बोर्ड पर भी ऐसे आरोप लगते हैं कि मुर्ते इलीगल इंक्रोचमेंट किए हैं, इलीगल इंक्रोचमेंट किए हैं, और सरकार सर्वे करा रही है वक्फ बोर्ड की प्रॉपर्टी का भी। ये पहले तय करिए कि अगर मंदिर सही नहीं होगा तो मस्जिद ही रहेगी, पहले ये तय करिए। अगर कहीं मंदिर नहीं आया जांच में तो फिर वहाँ मस्जिद ही रहेगी, तय करिए। इस स्टूडियो की आवाज बंद करिए, बाहर की आवाज होने आ जाएगी। पहले असगर खान की बात, उसके बाद रिजवान भाई जवाब देंगे। मैं सिर्फ इतना कह रहा हूँ राकेश भाई कि हम आपकी बात की इज्जत करते हैं। अभी आचार्य जी ने कहा भी कि जहां मंदिर नहीं निकलेगा तो हमारा कोई लेना देना नहीं, वो मस्जिद ही रहेगी। ये स्टैंड सही है, इसको पहले तय करिए कि भाई जहां पे मंदिर नहीं होगा वहां मस्जिद है तो मस्जिद ही रहेगी। चलिए इतना ही तय कर लीजिए, अगर इस बात को आप मानते हैं तय करते हैं। मैं रिजवान भाई आपके पास आता हूँ, रिजवान भाई आपके पास आता हूँ। कई सारे इंक्रोचमेंट हुए हैं वक्फ बोर्ड पर भी इस तरीके के आरोप, जैसा धर्मपाल जी ने कहा था, और उसी को लेकर सरकार जांच करवा रही है। ये इंक्रोचमेंट तो इस देश में हर शहर में फैला हुआ है। आरोप जी ऐसा है राकेश भाई, ऐसा है राकेश भाई कि ये लोग हमेशा ये हल्ला मचाते रहते हैं कि बाबरी मस्जिद के नीचे कोई मंदिर नहीं मिला। इन लोगों ने सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर तो पढ़ा नहीं है। अच्छा, कि सुप्रीम कोर्ट ने लिखा कि 45 पिलर मिले, मानव निर्मित मिली, प्लीज 400 रुक जाइए ना, वहां पर रुक जाइए ना सर, एकदम बीच में मत बोलिए सर। ने ये कहा रिजवान भाई 15 सेकंड में अपनी बात पूरी करिए, मुझे बाइंड अप करना है, ठीक है? जवाब भाई रुक जाइए, ये इन जाहिलों को पता नहीं है, बोलते हैं कि मस्जिद के नीचे कुछ नहीं मिला, इसीलिए मैं इनको जाहिल बोलता हूँ। ठीक है चलिए, आज के लिए वक्त इतना ही है, भाषाई मर्यादा बनाकर रखिए। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत यहाँ पर ब्रेक था।